सवा तीन बजे इधर लेक्चर रहेगा कल नहीं रहेगा ये, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है

ओके बच्चो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ओके सो अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मार्क्स का डिवीजन किस तरीके से है मार्क्स के डिवीजन के बाद एमसीक्यूज पैटर्न के अंदर में आने वाले देर आर फाइव टॉपिक्स हर टॉपिक के एवरेज मार्क्स कितने हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या करी थी इकोनॉमिक्स के अंदर में देखा था वी नो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के अंदर में भी इकोनॉमिक्स आपको आता ही है तो यहां पर क्या डिफरेंस हो जाएगा वैसे मैं आपको बता दूं जो आपका ट्वेल्थ का सीबीएसई का डिटेल्स uh, है उसके अंदर में आपको माइक्रो एंड मैक्रो दोनों का क्या है इंक्लूजन है तो जैसा कि आप जानते हैं कि पांच चैप्टर माइक्रो के राइट right? इसके अंदर में एक चैप्टर मैक्रो का भी है मतलब इन टोटल अपने जो 50 मार्क का सिलेबस है उसके अंदर में क्या है बेटा पांच टॉपिक है इसमें से के जो पहले चार टॉपिक है दे डिनोट्स माइक्रो और जो लास्ट टॉपिक है बिजनेस साइकिल इट डिनोट्स मैक्रो यस और फिर उसके आगे आपका प्रॉपर ई वाला मैक्रो क्या हो जाता है शुरू हो जाता है यस yes? तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिफ्रेश करवाऊंगा रीब्रश करवाऊंगा द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर हम क्या करेंगे फिर हम फाउंडेशन में एंट्री करेंगे मतलब पहले जो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में आपने अकाउंट्स पढ़ा है यू नो मैथ्स पढ़ा है थोड़ा सा इको पढ़ा है थोड़ा सा लॉ पढ़ा है हम इसमें से जो इको का पोर्शन है उसको आज सिर्फ क्या करेंगे क्विक रिवाइज करेंगे चलिए मुझे सबसे पहले बताइए Why we need economics? हमको इकोनॉमिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी एंड एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स करता क्या है और आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी मन में आ रहा है जितना याद आ रहा है बोलो गलत होगा हंड्रेड परसेंट चलेगा ठीक है वाई वी नीड इकोनॉमिक्स आखिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है एनी ब्रीफ आइडिया सदे को फालतू की बात नहीं करना सिलेबस में दिया है, पढ़ लेते हैं हमने कभी रीजन नहीं पूछा कुछ तो रीजन होगा ना मालिक कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं कोई ब्रीफ आइडिया आखिर इकोनॉमिक्स हमें हेल्प कहाँ अच्छा, हेल्प कर रहा है किसी भी तरीके के, के कैलकुलेशन में हेल्प कर रहा है वो ये तो इकोनॉमिक्स भी कहीं हेल्प कर रहा होगा लॉ क्या हेल्प कर रहा है कि भैया फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर अकाउंट्स कहाँ मेंटेनेंस कर रहा है इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्रॉफिट्स कि हम अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट असर्टेनमेंट किस तरीके से होगा अब सवाल उठता है कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन क्या है क्योंकि देखो करने से पहले पता तो ना करना क्या है बात समझना तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ देखिए एक हमेशा से किसी भी सोसाइटी की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर स्केर्ड ये बात तो हम सब जानते हैं कि इच्छाएं तो बहुत सारी है लेकिन हर इच्छा पूरी कहाँ होती है लड़के इस बात को स्पेशल ध्यान दे इच्छाएं तो बहुत सारी है पर हर इच्छाएं पूरी होती है क्या आंसर इज नो कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो बस बात वही है दैट ह्यूमन अगर आदमी है तो उसकी इच्छाएं बहुत सारी है इसे शायरी में कहना चाहूंगा एक बात समझना लेक्चर में शायरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बात समझ में आई आज मैं तुमको शायरी के कुछ बेसिक रूल बता रहा हूँ पॉइंट नंबर वन चालू होने से पहले होता है इर्षाद क्या होता है बोलो बे इर्साद ठीक है फर्स्ट टंजा के बाद होता है वाह समझ आए नहीं आए क्या होता है वाह और एंड में जो होता है अगर समझ में आ गई तो बहुत खूब नहीं तो चुप बैठ जाने का ठीक है थीके? तो चलो अर्सात करो कि हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा पहले खिलौने फिर माशुका फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा मीनिंग समझिए हर उम्र में शौक़ होते हैं जुदा जुदा देखिए ह्यूमन जब से आया है तब से हर उम्र में उसके शौक बदलते रहे हैं पहले क्या थे उसके शौक़ पहले खिलौने हर उम्र में शौक़ होते हैं जुदा जुदा पहले खिलौने बचपन से देखो हमारे को खिलौने का शौक था हमारी नीड क्या थी आप सोच करके देखो लड़के हैं तो पी एस टू क्रिकेट फुटबॉल बात समझ में आ रही है कि नहीं अपने को ये चाहिए था राइट नहीं तो मारियो गेम एटलीस्ट हमारे को ये चाहिए था राइट लड़कियां लड़कियों के अपने अलग गेम्स है कुछ लड़के तो बारबी से भी खेलते थे पता ही नहीं था करना क्या है <laughs> बात समझना कुछ लड़के तो बारबी से भी खेलते थे पता ही नहीं है उसके साथ करना क्या है बट फिर भी खेलते तो थे तो पहले खिलौने फिर क्या चाहिए थी आज अब जिस एज के अंदर में उसमें चाहिए माशुका माशुका का मतलब समझते हो सेम और अपोजिट डिपेंडिंग अपॉन द केस राइट अरे अभी अलाउड है ना ऐसा क्या कर रहे तो सेम और अपोजिट एज द केस में भी फिर एक टाइम आता है जो आता है हमारा एज हमारा एज में क्या आता है रुतबा अब भाई पैसे लड़की ये वो सब हो गया अब क्या बनाने का है इज्जत अपन आ गए मुन्ना भैया स्टेज में अपने वो क्या चाहिए इज्जत और फिर एक टाइम आता है अपने दादाजी वाला स्टेज खुदा खुदा तो हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा पहले खिलौने फिर माशूका फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा लेकिन इस पूरे पॉइंट में आप एक चीज़ को जरूर देखिएगा यहाँ पे उसकी नीड कहीं ख़त्म नहीं हो रही उसकी नीड रादर इंक्रीज हो रही है उसकी नीड रादर इंक्रीज हो रही है तो हमेशा से हर सोसाइटी के अंदर में एक प्रॉब्लम रही है ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज जो है इस नीड्स को पाने के लिए वो कैसे हैं स्कैर्ड तो अब इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है दैट हाउ कैन दिस स्कैर्ड रिसोर्सेज बी यूटिलाइज्ड इन सच वे दैट नॉट ऑल वांट्स बट मैक्सिमम वांट्स कैन बी सैटिस्फाइड बट मैक्सिमम वांट्स कैन बी सैटिस्फाइड सो लिखते जाइएगा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर स्कैड एंड इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एलोकेटिंग सच रिसोर्स टू कंप्लीट मैक्सिमम वॉन्ट्स तो इकोनॉमिक्स क्यों अब क्या पढ़ाता है हमें हमें पढ़ाता है भाई हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी है धरती के अंदर में लेकिन लेकिन हम इसको कैसे अलोकेट कर सकते हैं ताकि नॉट ऑल वॉन्ट बट मैक्सिमम वॉन्ट तो हमारी क्या हो जाए सेटिस्फाई यस yes. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं नॉट ऑल वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड नॉट ऑल वॉन्ट्स कैन बी सैटिस्फाइड बट मैक्सिमम वॉन्ट्स कैन बी बोलो बेटा सेटिसफाइड हम सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते कभी भी यस yes? ये जो लाइन है ना ये बड़ी ओके एमसीक्यू बनेगी ये जो लाइन है नॉट ऑल वॉन्ट कैन बी सैटिस्फाइड बट मैक्सिम वॉन्ट कैन बी ये बड़ी सैटिस्यू बनेगी सो वाई वी नीड इकोनॉमिक्स हम इकोनॉमिक्स की मदद से रिसोर्सेस खड़े कर सकते हैं क्या नहीं इकोनॉमिक्स हमें ये डिसीजन मेकिंग पावर देता है कि हम हमारे मैक्सिमम रिसोर्सेस को क्या कर सके कंप्लीट कर सके तो अकाउंट्स हमें बताता है बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ है मैथ्स हमें कैलकुलेशन सिखाता है किसी भी चीज के डिसीजन मेकिंग के लिए येस yes, लॉ हमें बताता है कि भैया एक सोसाइटी में वर्क करना है तो विद इन द सम फ्रेमवर्क वर्क करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स हमें बताता है सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं लिमिटेड तो इन लिमिटेड रिसोर्स को अपनी मैक्सिमम वॉन्ट्स के लिए कैसे यूज करना चाहिए ताकि हम ओवरऑल सेटिसफाइड रहें ओवरऑल क्या रहें सेटिस्फाइड ये सोनो अच्छा जी सर अब एक एक चीज करके एक एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा तो मजा आएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया हमारी कुछ वॉन्ट्स तो तुम्हारे मन में सवाल उठा कि भैया वॉन्ट्स कितने प्रकार की होती है ये भी तो समझना पड़ेगा ना वॉन्ट्स कितने प्रकार की होती है पूछो ना कितने प्रकार की होती है वॉन्ट्स वॉन्ट्स होती क्या है पहले ये तो बताओ आर द नीड ऑफ ह्यूमन टू सेटिसफाई हिमसेल्फ हम कोई भी चीज जो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली कर किसके लिए है सेटिसफैक्शन के लिए ये सोनो बाई कंप्लीशन ऑफ वॉन्ट बाई कंप्लीशन ऑफ वॉन्ट फी गेट्स बोलो बेटा सेटिसफैक्शन किसी भी वांट को पूरा करके आपको क्या मिल जाता है सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या आप जानते हैं याद करके देखिए इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में टर्म यूज किया जाता है चलो क्विज जल्दी से बताओ अ पर्सन गेट डैश आउट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट एनीवन गलत आंसर चलेगा याद करें देखो परफेक्ट यूटिलिटी याद आ रहा है क्या अ पर्सन गेट्स यूटिलिटी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूटिल्स अ पर्सन गेट यूटिलिटी फ्रॉम सैटिस्फेक्शन ऑफ वांट सो वांट सेटिसफाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज िटी वॉन्ट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी वॉन्ट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी तो एक बात समझिए हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें हमारी इच्छाएं पूरी करनी है अब हमारे मन में सवाल उठा आखिर इच्छाएं क्या होती है वॉन्ट्स क्या होती है वॉन्ट्स हम क्यों फुलफिल करना चाहते हैं किसी भी चीज को देख करके हमें कई इच्छाएं होती है अब ये इच्छा को फुलफिल करना ही तो अल्टीमेट गोल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आर यू द पॉइंट यस मैंने ये उष्टा सफरचंद देखा बात समझना ये उष्टा सफरचंद देखा अच्छा लगा मन में एक इच्छा जागी कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ये उष्टा सफरचंद मैंने लेना ही चाहिए अल्टीमेटली आई ब्रॉट इट नाउ अंडरस्टैंड जिस टाइम मैंने इस चीज़ को बाय कर लिया होगा किसी चीज को सोचा उसकी चीज को बाय कर लिया होगा डोंट यू थिंक अ पर्सन को क्या मिला होगा सेटिस्फैक्शन आर यू गेटिंग द पॉइंट सेटिस्फैक्शन तो एवरी कमोडिटी और इसको हम इकोनॉमिक्स के शब्दों में क्या कहते हैं अच्छा जी कितने प्रकार की, होती है? कितने प्रकार की होती है टाइप ऑफ कितने प्रकार की होती है वॉन्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप एनी वन हां जी यस वेरी गुड पहली होती है नेसेसिटीज पहली वांट होती है आपकी नेसेसिटी हर ह्यूमन की पहली नीड है नेसेसिटी ये yes, कुछ रिफ्रेश हो रहा है 11, 12 वाला मैं नहीं चाहता आपको डायरेक्टली यू नो एडवांस वर्जन पे लेके चल पहले रिफ्रेश तो करो पढ़ लेंगे सब कुछ बेसिक तो समझ लें पहला नेसेसिटी कैन यू प्लीज ब्रीफ मी फ्यू नेसेसिटी विच आर रेलिवेंट राइट नाउ क्लोथ्स सीधे शब्दों में बोलू रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट और एक दोस्त जो लिंक भेजे बात समझ ना रोटी कपड़ा मकान ये तो बहुत बेसिक है ये तो हमारे के जमाने से रे आज के टाइम पे प्रवेंट क्या है एक मोबाइल और एक दोस्त जो लिंक भेजे बात सही है कि नहीं सर कैसी लिंक कैसी बातें कर रहे हो पोगो वाली बातें कर रहे हो कैसी लिंक महाभारत रामायण के वीडियोज आते जिसमें <laughs> बराबर है कि नहीं तो

अब इसको एक जन लगता ही है साथ में कपड़े हैंडल करने के लिए ना no, अंडरस्टैंड वो उसकी बेसिक नेसेसिटी है तुम्हारे कपड़े तुम तुम साल तु, फैशन का कोई सेंस है तुम लोग को कुछ भी कपड़े पहन लेते यू डोंट नीड दैट पर्टिकुलर पर्सन टू हैंडल द क्लोथ्स बट उनको तो लगेगा ना तो उनके लिए वो बेसिक नेसेसिटी है द अनादर टैलेंटेड ब्यूटी यू नो अनन्या पांडे आपको तो पता है कितना स्ट्रगल है बेचारी की लाइफ में अब सोचिए उसको बॉडी रखना क्या बेसिक नेसेसिटी है यस। yes. तुमको बॉडी गार्ड रखना है? No. तो भी person person कर सकती है क्या बिल्कुल कर सकती है हंड्रेड परसेंट कर सकती है, yes. खान के साथ होना जरूरी है वो उसके बेसिक नेसेसिटी में है तो नेसेसिटी ऑल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट नेसेसिटी एक बेसिक नेसेसिटी है दूसरे टाइप की वॉन्ट कौन सी होती है एनी वन यस कंफर्ट्स देखिए दूसरे टाइप की वोंड्स होती है आपकी कंफर्ट्स दीज आर नॉट नेसेसरी बट दीज मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल यस और नो दीज मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल तो बात उन दिनों की है यस yes? ये मेरा भाई नाम क्या है तेरा कोस्तुब तो कोस्तुब की रीसेंट रीसेंट शादी हुई अब कोस्तुब अपना घर बसा रहा था कोस्तुब को घर बसाना था तो जाहिर सी बात है कोस्तुब बोला चलो यार बेड लेके आ जाते हैं जरूरी है ठीक है तो कौस्तुभ गया मस्त ऐसा फर्नीचर की दुकान में वहां पे एक बेड रखा था कौस्तुभ गया कौस्तुभ जाकर के टेस्ट करने लग गया हाँ ठीक है ना अंडरस्टैंड करिएगा ऐसा कुछ है क्या कि कौस्तुभ बेड के बगैर सो नहीं सकता या बेड के बगैर उसका काम हो नहीं सकता <laughs> ऐसा कुछ है no. जो चीज नींद का काम जो बेड पे कर रहा है वो जमीन पे भी हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है पर बेड पे कंफर्ट ज्यादा रहेगा बात समझ मारी सभी को बेड पे क्या रहेगा कंफर्ट ज्यादा रहेगा इट इज नॉट नेसेसिटी बट इट इज कंफर्ट और फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ब्रांड स्पेसिफिक होते हैं इनके लिए क्या होना चाहिए बेटा लग्जरी जब आप गरीबी रेखा के ऊपर उठते हो आप कंफर्ट्स में आते हो और जब कंफर्ट्स भी सस्ता लगने लगे तब आप कहां आते हो लग्जरी आपका काम ओयो में हो सकता है जेडब्ल्यू में ही जाना है इट्स अ लग्जरी ये नो बराबर है कि नहीं इट्स अ लग्जरी अभी आप सादा बैग लेकर के भी जाओ तो भी ठीक है बट आपको लुई विटौनी चाहिए राइट ऐसा लड़की शॉपिंग करने जा रही है राइट right? जारा का शोरूम तो जारा का लग्जरी हो गया कपड़े तो आप एफ सी रोड पर भी ले सकते हो जारा के कपड़े सौ रुपये में जारा के शोरूम में जाके ले रहे हो तो ये क्या बन जाएगा लग्जरी यस तो तीन है बेटा नेसेसिटी कंफर्ट एंड लग्जरी कंफर्ट्स हम्म कंफर्ट मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल फॉर रिच पीपल जनरली फॉर रिच पीपल फॉर एवरी वन सो वॉन्ट के कितने प्रकार है बोलो जल्दी से तीन नेसेसिटी कंफर्ट लग्जरी हम इसका और डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर टू में अभी मुझे सिर्फ ब्रशअप कराना है आपको ठीक है तो जल्दी से इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे बोलो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी ह्यूमन वॉन्ट्स आर एवरीबडी रिपीट विद मी ह्यूमन वॉन्ट्स आर सेज आर स्केर्ड और इसी चीज को कौन हेल्प करता है इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि स्केर्ड यूज करें कि मैक्सिमम वॉन्ट तो सेटिस्फाई हो जाए नॉट ऑन बट हो जाए। फिर हम ढूंढने निकले वॉन्ट मतलब क्या होता है पावर ऑफ अ कमोडिटी किसी भी चीज को पा करके आपको क्या मिल जाता है सेटिस्फैक्शन इकोनॉमिक में हम इस शब्द को क्या कहेंगे यूटिलिटी ये वॉन्ट कितने प्रकार की होती है तीन नेसेसिटी कंफर्ट लग्जरीज क्लियर है मालिक अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट बात समझना नेक्स्ट पॉइंट आपने कहा सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर आपके मन में दूसरा सवाल आना चाहिए रिसोर्सेज मतलब क्या होता है हम किस रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं बताइए रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ आपने पढ़ा है ऑलरेडी what do you mean by resources what do you mean by resources hmm किसी भी बिजनेस के पास ये रिसोर्सेज होते ही हैं एनीवन पढ़ा है आपने कंफर्म हाँ मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स ये रिसोर्सेस हुए हाँ लैंड लेबर फर्नीचर रिस्पेक्ट इकोनॉमिक फर्नीचर इज अ बेसिक नेसेसिटी बट वो रिसोर्सेज में हम नहीं आते वो रिसोर्सेस के अंदर का एक पार्ट है हाँ, लैंड लेबर ये सही जा रहा है कैपिटल एक चौथा आंट्रप्रेनोरशिप इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेस के चार मतलब है जल्दी से बताइए कौन कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम हम यहाँ पे चार रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं पहला लैंड सर लैंड मतलब क्या होता है मतलब जमीन पे धंधा करेंगे हम नहीं नहीं आप इसका मीनिंग नहीं समझ रहे लैंड का मतलब होता है ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब लैंड वो नहीं जो आप यू you नो know, जमीन की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर जैसे हवा पानी बिजली ये सो नो तो ये हो गए ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ये बन गया लैंड दूसरा है बेटा लेबर लेबर का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स तीसरा किसी भी बिजनेस में हम कैपिटल की बात कर रहे हैं यानी हम ओन कैपिटल प्लस डेप्ट कैपिटल की बात कर रहे हैं एक जो खुद का पैसा लगाया प्लस दूसरा जो वो दो लोगों से उधार लिया तो हर बिजनेस में देख क्या क्या जरूरी है तेरे पास ह्यूमन रिसोर्स होना जरूरी है तेरे पास कैपिटल होना जरूरी है फिर रिसोर्सेज जो तेरे को मार्केट से मिले रिसोर्सेज जो तेरे को मार्केट से मिले एंड फोर्थ आंतरप्रेन्य एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है इज डन तो ये हो गए रिसोर्सेज अब आप मुझे बताइए जैसे ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हम कह रहे हैं रिसोर्सेज ही क्या है Scared. अब आप बताइए आपको कोई बिजनेस चालू करना है आपके पास अनलिमिटेड पैसा है ऐसा है अनलिमिटेड पैसा है यस ह्यूमन रिसोर्स क्या हर बेस्ट टैलेंटेड पर्सन अपने पास है क्या नहीं नहीं तो कॉम्पिटिटर कैसे रहेगा तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा हमारे जो रिसोर्सेज है ये कैसे है बेटा लिमिटेड तो आइए वॉट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी रिपीट अगेन रिपीट फॉर द थर्ड टाइम ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर स्कैड तो रिसोर्सेज समझ में आए कौन कौन से हैं यस वॉन्ट क्लियर हो गया रिसोर्सेज क्लियर हो गया अच्छा मुझे एक बात बताइए हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आखिर हम इकोनॉमिक्स का फादर बोलते किसको को है आखिर ये पूरा कंसेप्ट लाया किसने अब जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, भारत में ये कंसेप्ट बहुत पहले से था चाणक्य याद आ रहा है चाणक्य जिसे इकोनॉमिक्स को ही हिंदी में अर्थशास्त्र कहा यस ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था पर आप तो जानते हैं हमें वो सिखाया जा रहा है जो अंग्रेजों ने बोला अब अंग्रेज में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर एडम स्मिथ तो भैया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको मानते मानते हम एडम स्मिथ ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा ये बड़ा होके क्या बनेगा एमसीक्यू हु हो इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम बोलते एडम स्मिथ है यस पर हम सब जानते हैं कि भैया हमारे पास ऑलरेडी चाणक्य थे जो इस चीज को बहुत पहले से करते आ रहे हैं पर किताब में एडम स्मिथ लिखा है चुपचाप एडम स्मिथ लिखने का अब आते हैं आगे मुझे एक बात बताइए इकोनॉमिक्स तो कई लोगों ने कहा है एडम स्मिथ को फादर मानने की क्या गरज थी देखिए हर कंट्री ने अपने कुछ रिसोर्सेज लिए और ये रिसोर्सेज कैसे थे स्केर्ड अब हर कंट्री ने क्या करा जरा बात समझना जब भी किसी राजा के किसी व्यक्ति ने जैसे चाणक्य जी और एम्पर जब भी किसी हम चाणक्य को फादर क्यों नहीं कह रहे इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे भी एक रीजन यह है कि जब भी किसी ने एक्सप्लेन किया इकोनॉमी को उन्होंने सिर्फ एक कंपनी के एंगल से किया कि के तो इससे इतने हो सकती कभी किसी ने वेल्थ ऑफ नेशन की बात की ही नहीं नेशनल इकोनॉमिक्स की बात किसी ने नहीं की एंड इट वाज फर्स्ट द एडम स्मिथ इन हिज बुक इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन बुक का पूरा नाम था नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन तो एडम स्मिथ को फादर क्यों कहा जाता है अब जैसे मैं आपको एक बात बता बहुत सारे लोगों ने देश के आजादी के लिए काम किया हम सब जानते हैं हम गांधी जी को इतना प्रायोरिटी क्यों देते ही वॉज द फर्स्ट जिसने सिर्फ एक जगह की आजादी की बात नहीं करी पूरे देश की आजादी की बात करी एज द फादर ऑफ इंडिया इतनी बड़ी पदवी मिली आज हर नोट पे उनका फोटो है रीजन क्या बना क्योंकि फर्स्ट अमॉन्ग एवरी वन जिसने बोला कि यार एक स्टेट के छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हम ब्रिटिशर्स से हमें बात करनी होगी पूरे देश से बाहर निकालो एंड दैट्स उनको पदवी मिली महात्मा गांधी की समझ में आ रही है बात तो ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स तो बहुत लोगों ने कहा पर हर व्यक्ति ने सिर्फ एक पॉइंट पे बात करी कि मैं किस तरीके से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को उठा सकता हूँ या मेरे ऑर्गेनाइजेशन की नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूँ नो बड़ी सेड कि मेरे देश के इकोनॉमिक्स को किस तरीके से चलाना है एंड ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने बात करा वेल्थ ऑफ नेशन नेशन वेल्थ किस तरीके से करना चाहिए एंड दैट इज द रीजन ही इज रिकनाइज एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ ने कहा कहा था कि भैया इस तरीके का काम होगा इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी बुक का नाम था क्या बेटा वेल्थ ऑफ नेशन और यहां से इन्हें ये पदवी मिलनी चालू हुई क्योंकि इन्होंने बात करी नेशनल इकोनॉमिक्स की रादर देन कंपनीज इकोनॉमिक्स की किसकी बात करी नेशनल इकोनॉमिक्स की रादर देन कंपनीज इकोनॉमिक्स की एंड दैट्स वाई दे बिकेम सो फेमस यस अच्छा जी सो हु इज ट्रीटेड एज ज बोलो बेटा द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हु इज ट्रीटेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो जल्दी से एडम स्मिथ क्या कहा था एडम स्मिथ ने बोलो क्या कहा था एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन अच्छा बोलो जल्दी से मुझे एक बात बताइए सर ये बुक कब लॉन्च की गई थी इन 1776. सर बुक कब लॉन्च की गई थी 1776. अच्छा एक बात समझिए हम जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम यहां रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं एज फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन हम जो रिसोर्सेज की यहां बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एज फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने के लिए कितने रिसोर्स चाहिए अगर मैं अदरवाइज रिसोर्स की बात करूं अगर मैं सिर्फ बात करूं रिसोर्स ऑफ बिजनेस की अगर मैं प्रोडक्शन के रिसोर्स की बात कर रहा हूं अगर मैं प्रोडक्शन के रिसोर्स की बात कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर अगर मैं सिर्फ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूं रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूं नॉट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन नॉट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन तब हम बात कर रहे हैं हाँ बेटा अब बोलो फाइव एम हम इसे कैसे डिनोट करते हैं फाइव एम पैला बोलो मेन मनी मशीन मटेरियल

ज डन चलिए अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आज हम बात करते हैं कैसे मेन एक रिसोर्सेज है अभी आप मुझे बताइए करंटली वी नो पैलेस्टीन एंड इसराइल के बीच में वॉर चल रहा होगा दोनों हमें इस बारे में पढ़ना नहीं है कि कौन सही है वॉर हो रहा होगा मतलब कुछ तो दोनों में डिस्प्यूट है वॉट इज द डिस्प्यूट डोंट यू थिंक दोनों जगह इशू क्या चल रहा होगा मैन जो लड़े तो पहला पहला आज अगर हम कंट्री के रिसोर्स की बात करें तो आज उनके लिए रिसोर्स सबसे बड़े क्या हो गए तीन रिसोर्स हो गए मैन सबसे पहले तो जो लड़े आर्म्स एंड एमिनेशन तो बात की बात है तो दूसरा मनी हमारा प्यारे दो पड़ोसी की अगर हम बात करें पहला पाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका दोनों के पास क्या नहीं है मैन नहीं है क्या मैन तो बहुत है भर भर के प्रॉब्लम क्या है मनी पैसा तो हो ना

मेथड्स दो तरीके की होती है किसी भी तरीके के प्रोडक्शन करने के लिए एक होता है लेबर इंटेंसिव और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव कुछ काम ऐसे होते हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं मतलब वो मशीन से नहीं किए जा सकते बराबर है वो मशीन से नहीं किए जा सकते वो हो गए मटेरियल सॉरी मेथड्स वो हो गए लेबर इंटेंसिव और दूसरे होते हैं कैपिटल इंटेंसिव जिसका मतलब होता है मशीन से वर्क अब कई बार एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती हर एक के पास अब जगह जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की अब हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन अगर आज से मैं दस साल पहले की बात करूँ हम उतने एडवांस थे क्या आंसर इज नो देर वॉज नो ए आई ये सो नो देर वॉज नो ए आई जो काम और तरीके से आसान कर दे तो हम हंड्रेड परसेंट किस पर डिपेंडेंट थे लेबर इंटेंसिव पे यस आज मेरे को एक बात बताइए पहले क्या होता था कि आपको एक आदमी चाहिए होता था जिसकी इंग्लिश अच्छी है जो आपके भी आप पे लेटर लिखे आज तो आपको सिर्फ ए आई में जाना है और बोलना है गिव द या चैट जीपीटी में जाओ लिख दो कि भैया आई नीड अ लीव एप्लीकेशन बायदा पाँच मिनट के अंदर तो पूरा लीव एप्लीकेशन आ जाएगा आपके हाथ में तो पहले हम लेबर ओरिएंटेड थे अब हम मशीन ओरिएंटेड है समझ में आ रही है बात तो ये हो गए मेथड्स और फिर आता है मटेरियल सही टाइम पे सही जगह पे सही मटेरियल मिलना भी तो मुश्किल है जैसे अगर मैं आज आपकी बात करूं आज पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक एक प्रोडक्ट है जिसका मटेरियल शॉर्टेज चल रहा है जिसके कारण कार डिले हो रही है

हर एक इकोनॉमी के अंदर में फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिटेड है एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस भी लिमिटेड है समझ में आ रही है बात चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर आखिर इकोनॉमिक्स किसी ने तो वर्ड लाया होगा ना सर फ्रॉम वेयर वर्ड इकोनॉमिक्स अराइज आखिर ये इकोनॉमिक वर्ड आया कहा से जब इतना हिस्ट्री डिस्कस कर ही रहे हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के ऊपर तो और डीप में चले जाते हैं सर आखिर ये वर्ड लाया किसने लाया कहां से Anyone? ग्रीक के लोगों के दो काम था दूसरा था वर्ड बनाना ग्रीक, ग्रीक के लोगों को कितना काम थे दो दूसरा क्या था वर्ड बनाना आप देखिए मैक्सिमम वर्ड्स जितने भी फ्रेम हुए हैं ये सब मैक्सिमम ग्रीक वर्ड्स है ये yes सोनो अब एनीवन इकोनॉमिक्स अराइज फ्रॉम बोलो बेटा ग्रीक वर्ड एनी वन ऑइकोनॉमिया इकोनॉमिक्स अराइज फ्रॉम बोलो बेटा ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया विच मीन्स

एंड दे हैव टू मैनेज द होल हाउस विद इन द सेम अमाउंट आर यू गेटिंग द पॉइंट सो अगर आप देखोगे ये पहले सिर्फ एक हाउस होल्ड पर चलता था कि घर में इतने रुपए आ रहे हैं तो कितने रुपए खर्चे किए जाएंगे कितने सेव किए जाएंगे कितने इमरजेंसी फंड के लिए रखे जाएंगे ठीक उसी तरीके से कंट्री में भी हर साल आप देखो क्या आता है बजट कि भैया इतना पैसा कलेक्ट होगा इसमें से इतना इस चीज के लिए खर्चा होगा इतना डिफेंस में जाएगा इतना एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा इतने जन कल्याण के लिए जाएगा इतने लोक कल्याण के लिए जाएगा इस तरीके से क्या किया जाता है वर्कआउट किया जाता है तो इकोनॉमिक्स टेक्निकली फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड द लॉ ऑफ हाउस होल्ड और जब किसी व्यक्ति ने सिर्फ हाउस होल्ड से ऊपर उठ करके बात करी कि नेशन इज ऑल्सो हाउस तब जाके उनको पदवी मिली फादर ऑफ नेशन आर यू गेटिंग द पॉइंट चलो क्या क्या डिस्कस किया भाई साहब हमने जल्दी से बताओ सबसे पहले अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाई वी नीड इकोनॉमिक्स बताओ क्यों चाहिए इकोनॉमिक्स बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज यस और नो तो इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प करेगा रिसोर्सेज ला दे देगा इकोनॉमिक्स हेल्प क्या करेगा मैक्सिमम वॉन्ट सेटिस्फाई करने के लिए जितने रिसोर्स है उनको सही तरीके से एलोकेट करो ताकि मैक्सिमम वॉन्ट सेटिस्फाई हो जाए

फादर की पदवी क्यों मिल गई क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड हुआ करता था जिसका नाम था ओइकोनोमिया वो सिर्फ लॉ ऑफ हाउसहोल्ड पे बात करता था पहली बार धरती पे ऐसा व्यक्ति आया जिसने कहा नेशन ही एक हाउस है और इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा रिसोर्स एलोकेशन में कंसिडर करना पड़ेगा देन यू गेट रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस बिजनेस के क्या रिसोर्सेज है पांच मेन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स यस और नो अच्छा सर सर मुझे बताइए सर मुझे बताइए आपने कहा सर आपने कहा सर इकोनॉमिक्स क्या इकोनॉमिक्स के प्रकार भी है आंसर इज यस इकोनॉमिक्स के दो बड़े प्रकार है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स बताओ बेटा कौन से प्रकार के इकोनॉमिक्स दो प्रकार पहला माइक्रो दूसरा मैक्रो चलो डिफरेंस बताओ दोनों के बीच में हम्म माइक्रो टॉक्स अबाउट Talks about individual units, whereas macro talks about aggregate units. Hmm. It is narrow in nature, it is wide in nature. यस yes. अगर हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं हम कौन से इशू की बात कर रहे हैं माइक्रो अगर हम होल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं मैक्रो डन तो ये कितने प्रकार के इकोनॉमिक्स है दो टाइप माइक्रो एंड मैक्रो बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको कितने मार्क्स के लिए 50 मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको कितने मार्क्स के लिए 50 आर यू गेटिंग द पॉइंट यस अच्छा जी सर एक और पॉइंट बताइए सर सर एक और पॉइंट बताइए किसी भी वांट को सेटिस्फाई करके हमें क्या मिलती है यूटिलिटी किसी भी वांट को सेटिस्फाई करके हमको क्या मिलती है यूटिलिटी बराबर है एंड वी वर्क इन अ काइंड ऑफ इकोनॉमी तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है कितने प्रकार की इकोनॉमी हो सकती है आपको कवर था तीन कौन कौन सी हाँ कैपिटलिस्ट वेरी गुड सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड बिल्कुल सही जवाब तीन तरह की इकोनॉमी हो सकती है इसमें से इंडिया काय में आती बेटा मिक्स्ड इंडिया में मिक्स मिक्सचर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी बताइए एक ऐसी इकोनॉमी प्रॉफिट ही जिसका धर्म है कैपिटलिस्ट प्रॉफिट इज मेजर ऑब्जेक्टिव बताइए एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस ज्यादा चलते हैं अगेन कैपिटलिस्ट Private enterprises plays a private enterprises plays a big role. Customer is king, customer is king. क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऊषा यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप देखिए ना नहीं तो हर वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टार्टअप वहीं पे क्यों है कोई बहुत बड़ा कोई बहुत भारी का काम कर रहा है क्या अमेरिका नहीं बट वो स्टार्टअप का प्रमोशन है प्रॉफिट को पहला मोटिव देते हैं अब आप वहाँ पे कुछ भी बेचो दैट्स बिजनेस आर यू गेटिंग पॉइंट आप वहाँ पे कुछ भी बेचो दैट्स अ बिजनेस तो आप पाउडर बेचो या पाउडर बेचो बात समझ में आ रही है आप पाउडर बेचो या पाउडर बेचो बिजनेस इज अ बिजनेस वा अलाउड है समझ में आ रही है बात सोशलिस्ट इकोनॉमी बताइए सोशल बेनिफिट इज ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट हैज मेजर कंट्रोल एवरी वन इज इक्वल हम्म बताइए सोशलिस्ट किमजो याद आ रहा है क्या नॉर्थ कोरिया किमजो सोशलिस्ट कैन मेनी कंट्रीज आर एंड देन अगेन वी कॉल्ड इट एज चाइना ये yes सुनो no? फिर आता है ये मेरा इंडिया प्रॉफिट एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंट्रोल इंडिया आ होज अ डन चलिए जी बहुत बढ़िया सो दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा आज हमने बहुत कुछ पढ़ा पहला इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है दूसरा वर्ल्ड मतलब क्या होता है तीसरा रिसोर्सेज मतलब क्या होते हैं चौथा इकोनॉमिक्स के फादर कौन है पांचवा बिजनेस के रिसोर्सेज क्या है ना आदरस एंड यू नो जस्ट प्रोडक्शन फिर हमने बात करी इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से फिर हमने बात करी इकोनॉमिक्स के टाइप कितने होते हैं फिर हमने बात करी इकोनॉमी के टाइप कितने हैं ये ऑनो तो आज के लिए हम रुकेंगे यहीं पर मिलूंगा मैं आपसे कल यस बाय बाय एंड टेक केयर बाय बोलो बच्चों बेस्ट हाल फिलहाल में मैं आपको सभी को बता दूं जितने बच्चे ऑनलाइन हैं उनको छोड़ दे हाल फिलहाल में आप अभी बुक नहीं लेंगे जब तक कि मैं आपको नहीं बोलूं अभी पहले तीन चार लेक्चर तक के हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक ब्रशअप चलता रहेगा कि भैया यू नो हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े हैं और उसको हम वापस से यहाँ रिफ्रेश कर रहे हैं कि इनका ओरिजिनली मीनिंग क्या क्या है तो तीन चार दिन मान करके चलो आपके सिर्फ लेक्चर बेसिक्स के ही चलते रहेंगे और फिर मैं आपको क्या करूँगा लेक्चर पर लेके आऊँगा टॉपिक पे लेके आऊँगा इज दैट डन बाय बाय